हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आज आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी, हर तरफ इस न्यूज़ का जिसे अगर बात करें फैली हुई थी ये न्यूज़ कि किस तरीके से डीमैट अकाउंट में यहाँ पर फ्रॉड होते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से हमारे डीमैट अकाउंट यहाँ पर हैक होते हुए नजर आ रहे हैं, और हैक होने के बाद केवल पैसा ही नहीं जाता हुआ नजर आ रहा, कुछ पैसा या तो बिल्कुल ही जीरो होता हुआ नजर आ रहा है या फिर बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ओके, तो आपने ये न्यूज पर डेफिनेटली सुनी होगी, तो इसी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। ओके, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलते रहे। तो देखिये, ये न्यूज ओके और एज वेल एज ये वीडियो आपने देख ही ली होगी, यहाँ पर जी बिजनेस में यहाँ पर ये न्यूज कवर अप की गई थी। ओके, तीन लोगों को बुलाया भी गया था जिनके साथ इस तरीके के बड़े बड़े फ्रॉड होते हुए दिखाई दिए। अगर हम बात करें, देखिए, एक जब पैसा हम इकट्ठा करते हैं ओके, और जहां हम मंथली में बात करते हैं कि SIP मोड पे पैसा लगाइए, अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर पैसा लगाइए, ओके, आप खर्चे कम करके ओके, थोड़ा सा यहाँ पर सेविंग करके वहां पर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, ताकि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब आपके बच्चे बड़े हो ओके, जब भी आपको नेसेसरी हो या आपकी जो भी ख्वाहिश हो या जो भी आपको यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं, उसे पैसे को आप यूज करके अच्छे खासे वेल्दी और हेल्दी लाइफ यहाँ पर जी सके अपनी लाइफ। तो यहाँ पर बट हो क्या रहा है कि कुछ आताताई कह लीजिए या फिर कुछ हैकर्स कह लीजिए ओके, या फिर कुछ बड़े लोग कह लीजिए जो कि अपनी होल्डिंग्स को बेच के ओके, अपनी होल्डिंग्स को बेच के ऐसे लोगों को हायर कराते हैं, और ऐसे लोगों को हायर कराने के बाद वो तो निकल जाते हैं और अपनी ही कंपनी के शेयर वो यहाँ पर दूसरों लोगों को चिपका देते हैं। तो इस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए, आजकल इन्वेस्टर्स हो गया है बहुत ज़्यादा शातिर, हमारे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं ओके, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही हमने ये भी चैनल और बहुत सारे चैनल यूट्यूब में आ गए हैं, और वो हमेशा आपको बताते रहते हैं कि आपको पैनी स्टॉक्स नहीं खरीदने, आपको बेकार स्टॉक्स नहीं खरीदने। तो होने क्या लग गया है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो जागरूक हो गए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, तो वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर हमें किस चीज़ों को खरीदना है और किस चीज़ों को हमें नहीं खरीदना है, एज वेल एज वो यहाँ पर समझ चुके हैं। और इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि यहाँ पर मार्केट में लगभग 40-50% स्टॉक्स इस बार गिरे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट नहीं हुआ है, उसने होल्ड कर रखी है, वो डटा हुआ है फील्ड पे ओके, टेस्ट मैच की तरह क्रिकेट यहाँ पर खेला जा रहा है ओके, वो आउट नहीं हो रहा है, वो बॉल आ रही है एकदम बैट पे, वो टिप टिप करके यहाँ पर खेलता हुआ नजर आ रहा है, उसे छक्के चौके मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो मैच में टिक गया तो वो मैच को ऑलरेडी जीत जाएगा। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं ओके, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो गए, उन्हें चीज़ें समझ में आ गई है। तो अब बड़े लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, जैसे कि हैकिंग का, हैक कर करके ओके, आपके अकाउंट्स को यहाँ पर हैक कर रहे हैं ओके, और इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हमें, तो हमें चाहे हम ज़्यादा एजुकेट हो या हम ज़्यादा एजुकेट ना हो, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता ओके, बट आपको यहाँ पर कॉशियस होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, अपना डीमैट अकाउंट ओके, एज वेल एज अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप, जिससे भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, किसी को हैंड ओवर मत करिए, चाहे कोई भी हो, A to Z हो, अपने फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, आप उन्हें जानते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि वो बाई चांस ऐसी जगह पर क्लिक कर दे ओके, या फिर ऐसा कोई OTP आ जाए ओके, जो वहां पर वो पुट कर दे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी इंफॉर्मेशन आगे लीक हो जाएगी, और आपकी इंफॉर्मेशन एक बार लीक हो गई तो कहीं ना कहीं आपने अपनी सब कुछ दूसरों को हैंड ओवर कर दिया। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज को हमेशा याद रखिए, कोई भी मांगे, चाहे कोई भी हो, फैमिली मेंबर्स में से भी कोई हो, तो आपको इस तरीके की हरकत नहीं करनी, आपको इस तरीके की चीजें यहाँ पर दूसरों को हैंड ओवर नहीं करना, अपना फोन नहीं देना ओके, अपना लैपटॉप नहीं देना ओके, अपने यहाँ पर ID पासवर्ड किसी को प्रोवाइड नहीं करने, तो इस तरीके की कोई भी चीज नहीं करनी है, इस चीज को याद रखिएगा ओके। और एक वीडियो यहाँ पर अभी मैं देख रहा था, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दूंगा, जाके उस वीडियो को देखिएगा, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी, चाहे आप IT के हो, आपको इतने ही बड़े मास्टर हो, बड़े बड़े लोग, देखिए उनमें तीन लोग थे, तीन में से एक बुजुर्ग आदमी थे, वो इतने टेक्नोलॉजी से जिसे कहते हैं इतना फेयरली यूज करना नहीं जानते थे, बट दो आदमी ऐसे भी थे ओके, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह यूज करना जानते थे, वो टेक्नोलॉजी को जी, और एक तो IT वाला भी था। तो यहाँ पर चूक क्या हो गई, तो यही चूक हो गई कि यहाँ पर
उन्होंने एक ने ओटीपी डाल दिया, एक का किसी ने आईडी वगैरह हैक कर ली. ओके, यहाँ पर याद रखिए ओटीपी ही नहीं, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आता है, बट यहाँ पर एक ओटीपी यहाँ पर आपकी जीमेल पे भी जाता है. तो अपने जीमेल को भी सेव करके रखिए. आप किसी भी तरीके के एनी कॉलर, ओके एनी डेस्क, इस तरीके के एप्लीकेशन डाउनलोड मत करिए. ओके, इस तरीके डाउनलोड करने से क्या होता है, एनी डेस्क हो गया या फिर एनी कॉलर हो गया, तो आप एक दूसरे से कनेक्ट जरूर कर पाते हैं. ओके, आप अपना जो पूरा लैपटॉप कंप्यूटर का एक्सेस है वो दूसरों को दे देते हैं. ओके, और दूसरों को देने के बाद याद रखिए वो कुछ भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं. तो ज़्यादा लालच तो हमें करना नहीं है. ओके, हमें किसी को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी, अपने बारे में कुछ नहीं बताना. ओके, और जो आपके पास डेली कॉल आती होंगी, कहीं से भी डेटा लीक हो जाता है आपके फ़ोन पे, आपके मैसेजेस पे कॉल आती है कि ये इंटरडे करिए, वो इंटरडे करिए, साफ मना कर दीजिए. ओके, कि हमें किस तरीके से नहीं करना. अगर आपको किसी भी अगर आपके ब्रोकर की भी कॉल आती है, आपको बताता है कि ओटीपी आया है, तो ओटीपी उसे भी मत दीजिए. एज वेल एज बैंक्स में भी सेम इसी तरीके से फ्रॉड होते हैं, वो भी आपको नहीं के करने हैं. आपको किसी भी जीमेल पे, लगभग मेरे जीमेल पे ही 50,000 से 60,000 मेल पड़े हुए हैं, बट किसी को एक्सेस नहीं करना, सिंपल डिलीट करते जाना है. कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आपके पास मेल या मैसेज नहीं है जो आपकी जीवन भर की पूंजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखना. ओके, और यही सारे कॉशियस है जो आपको अपनाने हैं. ओके, किसी को अपना ओटीपी मत दीजिए, किसी को अपना पासवर्ड मत दीजिए, किसी को अपनी आईडी मत दीजिए. ओके, किसी को अपने फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी की सारी चीज़ें मत दीजिए. अपने फैमिली मेम्बर्स को भी मत दीजिए, और अगर दे भी रहे तो उन्हें कह दीजिए कि किसी तरीके का ओटीपी, किसी तरीके का मैसेज पे क्लिक मत करिए, क्योंकि मैसेज भी आते हैं एज वेल एज यहाँ पर जीमेल पे भी आते हैं, इसी तरीके की फिशिंग होती है. ओके, आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे होंगे तो इस तरीके के मैसेज, इस तरीके के मॉड्यूल्स आते रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि हाउ यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ बाय द फिशिंग एंड ऑल. तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, इस चीज़ को समझेंगे तो याद रखिए आपका कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ पर हैक नहीं कर पाएगा आपके आपके सिस्टम को, आपके फ़ोन को. और दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना ब्रोकर अच्छे से चुनिए. अभी तक मैं ज़ेरोधा यूज़ कर रहा था. ओके, मुझे लगा कि हाँ ज़ेरोधा यहाँ पर ठीक है, बट ये जो काम होते हुए नज़र आया, ये इसमें से ज़ेरोधा भी जिम्मेदार है. ओके, ये ब्लॉक करने का भी एक सिस्टम, हम अपना कोई भी एप्लीकेशन बैंक का डाउनलोड करते हैं, ओके क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो याद रखिए एक ब्लॉकिंग का यहाँ पर सिस्टम होता है. कुछ दिन पहले इसी तरीके का फ्रॉड होता हुआ मेरे साथ नज़र आ रहा था, मैं तुरंत गया. ओके, और मैंने अपने सिटी बैंक के एप्लीकेशन में जाके वो ब्लॉक कर दिया, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही थी. तो इसी तरीके से ऐसा कोई सिस्टम इसमें भी होना चाहिए था एप्लीकेशंस में. और दूसरी बात, अपना ब्रोकर बहुत बेहतरीन चुनिए, क्योंकि मैं देखता हूँ, ओके ज़ेरोधा की खासकर मैं बता रहा हूँ कि इनको कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. ओके, और एजुकेटेड ये लोग बैठाते नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई किसी भी तरीके की इस तरीके फ्रॉड होता है, आप बैंक में कॉल करेंगे वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, आपके कार्ड को ब्लॉक कर देंगे, बट ज़ेरोधा वाले यहाँ पर ब्लॉक ही नहीं कर रहे हैं. तो इतनी समझदारी उन्होंने भी नहीं है. एज वेल एज अपने ब्रोकर को चेंज करिए, बेशक से आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा देने पड़ जाए. ओके, यहाँ पर अच्छे ब्रोकर के साथ जाइए, जैसे कि मैं तो अब सोच रहा हूँ कि HDFC या ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ यहाँ पर जाया जाए, क्योंकि ये बैंक भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है, अपनी टेक्नोलॉजी पर पैसे खर्च करते हैं. और जो टेक्नोलॉजी पर पैसे खर्च करेंगे, ऑब्वियसली बात है हमारे जो सिस्टम्स है, हमारा जो अकाउंट है, ओके चाहे डीमैट अकाउंट हो चाहे बैंक हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे सेफ रहेंगे. तो कहीं बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, ओके बड़े बड़े बैंक के जो ब्रोकिंग है, उसके साथ जाना यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा. अब तो यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग हो गया, ओके ज़ेरोधा हो गया, इनके साथ जाना बेवकूफी होगी. और तो कॉशियस के साथ यहाँ पर काम करिए. ओके, टू बी वेरी फ्रेंक, यही मेरी एक राय थी. वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाके देखिएगा. ओके, वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मुझसे नहीं मिल पाई, बट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों को मिल गई होगी. बट स्टिल ये बताने के पीछे का रीज़न ये था कि आप लोग यहाँ पर सजग रहिए, जिम्मेदार रहिए, ओके रिस्पॉन्सिबल बनिए. जिस तरीके से यहाँ पर हमारी पीढ़ी बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी में हम बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ याद रखिए अच्छाई के साथ बुराई भी यहाँ पर पनपती है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अच्छा हम टेक्नोलॉजी में ऊपर हो रहे हैं तो उसके टेक्नोलॉजी के डेमन, और अगर हम बात करें एविल लोग यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, वो हैक करके हमारे सिस्टम हैक करके, ओके अलग अलग तरीके से वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके
हमारे जो वो देखते नहीं है कि कोई गरीब है कोई अमीर है या किस तरीके से पैसा आया है, इट डजंट मैटर फॉर देम। तो इस चीज को याद रखिए, ओके, आपको अपना अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। नोबडी विल कम टू रेस्क्यू यू, तो इस चीज को आपको समझना होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यहाँ पर ज्यादा मैं ताज्जुब दे रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि लोगों के पास पहुंचे, लोग यहाँ पर सजग हो सके। और दूसरा लिंक है उसे भी जाइए देखिए, 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटा जरूर जाएगा, बट आप यहाँ पर कहीं ना कहीं बच पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।